हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माँ अन्नपूर्णा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग की दाल के चीले। तो उसके लिए मैंने एक कप मूंग की दाल को 5 से 6 घंटे भिगो दिया है और अब मैंने इसका पानी निकाल के अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको ग्राइंड करके बिल्कुल बारीक पीस लिया है। देखिए हमारी पतली दाल जो हमने पीसी थी, इसको हमने एक साइड 5 से 10 मिनट के लिए रख दिया था। जब ये हमारी पतली पीस की थी तो हमने 10 मिनट के लिए इसे साइड में रख दिया। अब हम इसे 10 मिनट बाद यूज़ कर रहे हैं। तो ये अभी हमारी चीले के हिसाब से ठीक है। सो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिलाते जाएंगे। और ऐड करेंगे, ये देखिए। अब हम इसमें थोड़ा सा मसाले डालेंगे, थोड़े से, जैसे छोटी एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, इसको मिलाएंगे। हम इसमें हल्का सा और पानी ऐड करेंगे, बहुत हल्का सा बस। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा स्मूथ और पतला रेडी हो गया। इसे हम 5 मिनट के लिए चला लेंगे। एक प्याज बारीक कटी जो हम इसमें डाल देंगे। एक हरी मिर्च जो मैंने बारीक कट करा हुआ है। प्याज ऑप्शनल है, जो आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना चाहें तो आप सिंपल भी इसको बना सकते हैं। ये आपके चॉइस के ऊपर है कि आप इसमें ग्रीन मिर्च या प्याज डालें या ना डालें। आप प्लेन भी बना सकते हैं इसको। ये हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए। अब हम तवा गरम करेंगे। इसको हम थोड़ा गरम करेंगे। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे ताकि ये चिपके ना। अब हम इसको बीच में डाल के हल्के हाथ से फैला लेंगे। इसकी जो हमें फ्लेम रखनी है वो मीडियम रखनी है, ना बहुत लो ना बहुत हाई। अब हम इसके चारों तरफ ऑयल लगाएंगे ताकि इसकी किनारियां जो हैं वो आसानी से छूट जाएं।
कितना अच्छा सिखाए और बहुत ही आसान है और बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, क्योंकि बच्चे मूंग दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं और हमें किसी ना किसी तरीके से उन्हें खिलाना चाहिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। ये हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए हमारे मूंग की दाल के चीले तैयार हैं, जो मैंने रेड चटनी और ग्रीन चटनी के साथ तैयार किए हुए हैं, और ये आप मज़े से खाएं, मज़े से बनाएं, ये बच्चों के लिए भी बहुत हेल्दी है। सो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।